व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका भाई आप लोगों से एक बात बोलना चाहता कि आज का जो वीडियो है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आज 100% लिख के देता हूँ कि आप लोग को ऐसा वीडियो आज तक कोई भी बंदा नहीं दिया होगा जैसा कि मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग एडिटिंग है वो देख सकते हैं कितना हार्ड मैं अपना जो फोटो है उसको एडिटिंग किया हूँ। और गाइज, उसके बाद आप लोग जो हेयर है उसको भी आप लोग दिख सकते हैं कितना हार्ड क्वालिटी में अपना हेयर को एडिटिंग किया। तो आप लोग भी सारा कुछ बताऊंगा इसी तरह का, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा पहले का जो हेयर था वो कितना बेकार था, जो कि पूरा ही बेकार आया था फोटो क्लिक करते समय, बट मैं इसी फोटो को देख सकते कितना हार्ड मैं एडिटिंग किया हूं। तो आप लोग को सारा का सारा ट्रिक बताने वाला हूं कि किस तरह से यह हेयर बनता है। और जो फेस का क्वालिटी आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं, फेस पूरा ही मेरा बेकार था, बट गाइज यार इसी फेस को मैं देखिए कितना हार्ड एडिटिंग किया हूं, जो कि मैं जानता हूं कि आप लोग तो डेली कमेंट करते हैं कि भाई आप ऐसा ट्रिक बताओ जिससे कि हम लोग सेम आपके जैसा एडिटिंग कर पाए। तो गाइज यार वो वीडियो आ चुका है जो कि आप लोग देख रहे हैं, आपको पूरे 100% जो नहीं होता है 100% के 100% आपको गारंटी के साथ ऐसा एडिटिंग करना आ जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग क्या करना ठीक है, इस वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आपको ऐसा एडिटिंग करना नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ 100%, क्योंकि आप लोग हैं भाई लोग, ठीक है। तो भाई को मैं तो कुछ गद्दारी नहीं करूँगा, आप लोगों के साथ मैं जानता हूँ, इसलिए सारा सच्चाई आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह आप लोग सॉल्ट को इतना सारा चमका सकते हैं, फेस को किस तरह से आप लोग इतना क्लियर एडिट कर पाएंगे, और हेयर को भी कितना हार्ड आप लोग इस प्रकार से एडिट कर पाएंगे, सब कुछ आपको बताऊँगा A1 क्वालिटी में। चलिए मैं एक काम करता हूँ, वीडियो करता हूँ स्टार्ट, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए बिना बकचोदी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले अपना फोटो ले लेना, जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो कैसा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस शेयर वाले आइकन पर जाना है और आपको इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना। एक और बात की देखिए, इस वीडियो में ना तो आप लोग गद्दारी करेंगे ना तो मैं गद्दारी करूंगा, यानी कि मैं आपको सारा रियल ट्रिक बताऊंगा और आप लोग क्या करेंगे, मुझको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि एकदम आप लोग भी एडिटिंग सीखेंगे और हमको भी मजा आएगा। तो आपको क्या करना, लाइटरूम में आने के बाद जस्ट मैं आपको दूंगा एक प्रीसेट जो कि ये रहा प्रीसेट, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि इसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जिसको पता नहीं है डाउनलोड कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ 6 मिनट का, तो उस वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हो। तो आपको आना है 3 डॉट वाले ऑप्शन पे एंड आपको कॉपी सेटिंग पे आना है, और क्या करना आपको इस वाले ऑप्शन को मार्क लगाकर आपको सही पे क्लिक कर देना है। देखिए इतना काम हो गया, फिर आपको अपने फोटो पे आ जाना है। तो देखिए हमारा फोटो ये रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे इस वाले 3 डॉट पे, और इस पे आने के बाद आपको क्या करना, एक ऑप्शन मिलता है जो कि होता है पेस्ट सेटिंग का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए 1 क्लिक और जो आपका फोटो होगा गजब तरीके से व्हाइट हो जाएगा। और गैजर जो HD की बात करें तो देखिए मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए कितना ज़्यादा HD हो चुका है, जो कि आप लोग को इतना सारा ट्रिक कोई नहीं बताता है, मैं जानता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं गद्दारी नहीं करूँगा इस वीडियो में। फिर आपको क्या करना, लाइट पर आना है और आप लोग को एक्सपोजर को तनी से हाई करके इसको तनी से आप लोग लो कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका फोटो और ज़्यादा गोरा हो जाएगा और आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। तो उसके बाद आपको जस्ट शेयर वाले आइकन पे आ जाना है एंड आपको जाना है शेयर टू वाले ऑप्शन पे। और आप लोग तो जानते हैं कि फेस को एक बाइक गोरा नहीं कर सकते, पहले क्रीम वरीम एंड फेस उसको धोते हैं तब जाकर गोरा होता है। तो हम भी क्या करेंगे, फेस को धोने के लिए हम आएंगे स्नैपसीड में, और फिर आपको क्या करना है, क्रीम का जो ढक्कन होता है उसको खोल देंगे एंड सिलेक्टिव पर जाकर आप लोग को इस प्रकार से आराम से आप लोग को लाइट को देना है। एक बात गाइज, आप लोग को इस तरह हंसते खिलाते आराम से रेटिंग सिखाऊंगा, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो फिर आपको क्या करना, आपको गर्दन पे, बहुत लोग क्या करते हैं बस फेस पे क्रीम लगाते हैं एंड उनका जो गर्दन होता है वो ब्लैक रह जाता है, जो कि आप लोग इसको जानते होंगे, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, कमेंट करके बताइए कौन कौन ये जानता है। तो देखिए इतना काम हो गया, फिर आपको अपने हाथ को भी, देखिए बहुत लोग बस क्या करते हैं, बस चेहरा जो होता है बस वहीं पे क्रीम पोतते हैं, जिसके चलते क्या होता है उनका पैर हाथ सारा का सारा ब्लैक रह जाता है। तो देखिए हमारे भी बहुत दोस्त हैं जो कि ऐसा करते हैं, ठीक है, तो बहुत मजा आता है उन लोगों के साथ, हम बेइज्जती बहुत उन लोगों का करते हैं ऐसे जब करते हैं।
तो आप लोग क्या करना, हर जगह क्रीम को लगाना है, ठीक है, यानी कि कोई बेइज्जती आपको ना करे। तो इसलिए आप लोग को हर जगह क्रीम को पोत देना है, जैसे मैं पोत रहा हूँ, ये इतना कम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, तनिक सा क्लैरिटी को हाई करना है। तो उसके लिए हम आएंगे डिटेल पे, और आपको क्या करना, शार्पनिंग को हाई करना। देखिए गाइज, क्वालिटी जो है पूरा हाई हो चुका है। एक और बात की अगर आप लोग के फोटो में बहुत ज़्यादा क्वालिटी लो होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रेमनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, तनिषा इस पर भी मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से लाइट को दे दूंगा। तो इतना काम आपको भी कर देना। उसके बाद आपको क्या करना, इस वाले फोटो को ले चलना कहाँ पे, स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर। क्रीम लग चुका है, हम क्या करेंगे, फेस को एकदम क्लियर तरीका से जो ब्रश होता है उसका यूज करेंगे। आप लोग तो जानते हैं कि जो क्रीम होता है वो ब्रश के सहारा से लगाया जाता है, तो मैं क्रीम पहले ही लगा दिया, बस ब्रश से मिलाना है। तो आप लोग को इतना काम करना है। देखिए मेरा फोटो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको क्या करना है, कौन सा ब्रश लेना है, तो आपको नीचे जाना है और इस वाले ब्रश को ले लेना है। इसको लेंगे, फिर सेटिंग आप लोग को इतना रखना है। देखिए जितना मैं सेटिंग रखा हूँ उतना आप लोग भी रख लीजिएगा। फिर आपको क्या करना, फोटो को पूरा जूम करके, जूम क्यों करेंगे, अगर जूम नहीं करेंगे फिर आपका फोटो खराब हो जाएगा। सेटिंग तो आप लोग देख लिए हूँ, मैं जानता हूँ। तो उसके बाद आपको देखिए सीधा सीधा इस प्रकार से ब्रश चलाना है। देखिए आप लोग को हर एक स्टेप, कुछ भी इधर उधर नहीं करूँगा, टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। देख कितना मैं दिखेगा इधर ऊपर, कितना हार्ड तरीके से स्मूथ हो रहा है, देख लीजिए कहीं भी ब्लैक नहीं आया है, क्योंकि आपका भाई सिखा रहा है, एक जगह भी ब्लैक पार्ट नहीं आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप लोग को लाइट को देना है, लाइट को, सॉरी गाइस, इस प्रकार से आप लोग को फेस को स्मूथ करना है। फिर आप लोग को आँख के नीचे इस तरह ब्रश को चलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका नाक हो गया इसके साइड साइड में आप लोग को इस तरह ब्रश को चला लेना है। देखिए गाइस बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ गाइस, पूरा जो शरीर है वो भीग चुका है, बट क्या करें, आप लोग के लिए सारा कुछ जायज है, ठीक है, क्योंकि आप लोग है भाई लोग, अगर एकदम भाई लोग को सिखाना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं इस प्रकार से आप लोग को भी हल्का फुल्का क्या करना है, स्मूथ करना है। कितना मस्त स्मूथ हो रहा है, देखिए फोटो में क्वालिटी नहीं है बिल्कुल, मैं आपको सिखाऊंगा एच डी करना, ठीक है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए आप लोग को इसी प्रकार से क्या करना, सारा फेस आप लोग का स्मूथ कर लें, कि देखिए कितना हार्ड मेरा गाल स्मूथ हो गया। फिर आपको क्या करना, अपना जो नाक है इसको स्मूथ कर लेना है। देखिए इस प्रकार से, तो मैं अपने नाक को भी इस प्रकार से स्मूथ कर लेता हूँ। देखिए किस प्रकार से स्मूथ कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको भी स्मूथ करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, स्मूथ वाला जो पार्ट होता है वो स्किप कर देते हैं, तो आप लोग गलतियाँ मत कीजिए, क्योंकि गाइजर मैं आपको आसानी से सिखा रहा हूँ, ठीक है, और आसानी से आप लोग को सीख भी चाहिएगा। तो बस आपको क्या करना, हल्का फुल्का इस तरह अपने कान को भी स्मूथ कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना, अपने गर्दन को इस प्रकार से स्मूथ करना है। देखिए इस प्रकार से, तो देख लीजिए आपको इसी प्रकार से सारा काम करना है। फिर आपको इस वाले पार्ट को स्मूथ करना है। देखिए बहुत आराम आराम से आपको ब्रश को चलाना होता है, और ज़्यादा आप लोग ब्रश को दबाइएगा मत फोन पे, वरना आप लोग का जो स्मूथ होगा बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, जो कि बेकार लगता है। तो आप लोग को हल्का हल्का इस प्रकार से क्या करना है, स्मूथ करना है, जिससे क्या लगता है, आपका फोटो पूरा रियलिटी लगता है। तो देख लीजिए मेरा फोटो कितना मस्त स्मूथ हो चुका है सारा कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो हाथ है इसको भी आप लोग को इस तरह स्मूथ कर लेना। देखिए मैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने हाथ को भी इस प्रकार से स्मूथ कर लीजिएगा, और अपने फिंगर जो है उसको भी आप लोग को स्मूथ कर लेना है। तो देखिए मैं अपने फिंगर को भी, देखिए आपको हर एक चीज़ स्मूथ करना है, जितना भी पार्ट होता है स्मूथ वाला उस सब को आप लोग को स्मूथ करना है। इस प्रकार से देखिए कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है, तो आप लोग को इसी प्रकार से सारा कुछ स्मूथ कर लेना है। तो देखिए मेरा सारा कुछ स्मूथ हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को आपको ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, और आपको बस एक काम करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो फेस होगा पूरा क्लियर बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं आ चुका हूँ स्नैपसीड में। उसके बाद आपको सिलेक्टिव पे आना है, और आपको क्या करना है, इस प्रकार से मार्क को लगाकर ब्राइटनेस को हाई करके सैचुरेशन को लो करना है, यानी कि जहाँ पे भी आपको लगे कि लाइट कम है वहाँ पे आप लोग इसी प्रकार से लाइट को दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका फोटो बहुत गजब का दिखाई देगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से लाइट को दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोग को भी लाइट को दे देना है। देखिए मैं सारा जगह लाइट को दे दिया हूँ। देखिए तनी सा यहाँ पर लाइट को ज़्यादा हुआ, मैं बैक करता हूँ कि अब सही हो गया। फिर तनी सा गाल पे हम लोग लाइट को यहाँ पे दे देंगे। देखिए यहाँ पे मैं लाइट को देता हूँ तनी सा बस, और इसको लो करता हूँ। फिर आपको इतना काम के बाद क्या करना, अपने फोटो को आप लोग को शेयर करना और ले चलना आपको कहाँ पे, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। अब बनेगा बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं वीडियो को भी कोशिश करूँगा ताकि छोटा बन सके, क्योंकि ज़्यादा वीडियो जो लंबा होता है उसको मैं अपलोड करने में बहुत सारा दिक्कत होता है। तो देखिए आप लोग को उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, जो ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा आइकन। तो आपको क्या करना है, इस आपको क्या करना है, फोटो पर क्लिक करके जो कि आप लोग देख सकते हैं, एक ऑप्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो फोटो का आइकन है ये हमारा शरीर पर आ चुका है। तो जस्ट क्या करेंगे, शरीर को हम लोग साइड कर दें, देखिए शरीर पर से हट चुका है। उसके बाद आपको इस पर आना है एंड माय बल हटा करके आप लोग को सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। देखिए मेरा फोटो सेव हो चुका है, बस आप लोग को इतना काम करना। उसके बाद आप लोग को सारा कुछ बताऊंगा बैकग्राउंड किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए मैं सारा लिंक आप लोग को दे दूंगा, सारा PNG कुल का और बैकग्राउंड का, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे इस वाले बैकग्राउंड को, एंड इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको ले चलना आप लोग को पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए मैं इसको ले चलता हूँ पिक्स आर्ट में, एंड आप लोग को भी लेते चलना है इसको पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में। तो देखिए मैं आ गया पिक्स आर्ट में। उसके बाद आपको क्या करना, आना है आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद आपको क्या करना ध्यान से देखिएगा, आपको लेना है अपने वाले फोटो को एंड आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसको पूरा जूम करके आकर से इसको बैठा देना, कि इतना पे आप लोग इसको बैठा देना है। और इसके बाद इरेज पे आकर आपको क्या करना, ये जो आइकन है इसको आप लोग इरेज कर दीजिएगा। देखिए इसको आप लोग इसको आराम से इरेज कर दीजिएगा, ये ज़्यादा इरेज हो गया तो मैं इसको सही करता हूँ, इतना काम आप लोग कर देना। उसके बाद आपको एक और काम करना, आपको आना कहाँ पे, इस तरह इफेक्ट पे, एंड इफेक्ट पे आने के बाद आपको जाना है कलर पे एंड कलराइज पे जाना है। और इसको क्या करना है, कलराइज पे जाने के बाद आपको कलर को सेट करके, जो कि मैं इसको रखूंगा इतना पे, एंड इतना काम के बाद आपको इरेज पे जाना है, और आपको अपना जो चेहरा पे इफेक्ट आया है इसको हम लोग हटा लेंगे। देखिए इससे क्या होता है कि बैकग्राउंड आप लोग का नहीं रहता है एंड आप लोग आसानी से इसको कलर चेंज कर पाते हैं, ठीक है, टी शर्ट का। तो आप लोग इस वाले जो है ट्री को यूज कीजिएगा अपने शर्ट एंड टी शर्ट का कलर चेंज करने के लिए, जो कि मैं किसी भी फोटो को ऐसे ही चेंज करता हूँ कलर को। तो आप लोग क्या करना है, इस प्रकार से चेहरा का इफेक्ट हटा लेना है एंड जो आपका हाथ है इसको भी आप लोग को हटा लेना है। तो देखिए मैं किस प्रकार से हटाना हो, आप लोग को इसी प्रकार से हटा लेना है, फिर इसको भी हटा लेना। देखिए आप लोग को देखिए ये हट गया, फिर आप लोग को इस वाले हाथ पे स्पीक क्या करना है, आप लोग को इफेक्ट को हटा लेना। देखिए आपको A to Z बताऊंगा, कुछ भी गद्दारी नहीं करूंगा, बस आप लोग क्या करना, एक शर्त की आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप लोग को आ पाएगा। अगर आप लोग जहाँ भी आधा वीडियो पे से कट करते हैं तो फिर आप लोग को नहीं आ पाएगा ऐसा एडिटिंग करना। तो देखिए मैं किस प्रकार से ये सारा इरेज कर रहा हूँ, आप लोग को भी इसी प्रकार से इरेज कर देना है। देखिए इस प्रकार से तो समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं, बट उतना भी समय नहीं लगता है, ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं मैं कितना जल्दी कर लिया हूँ, जो कि आप लोग आराम से कीजिएगा। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ताकि छोटा हो जाए, ठीक है, इसीलिए। तो देखिए आप लोग को इतना काम के बाद क्या करना, आपको सही पे क्लिक करके एंड आपको एक बार और सही पे क्लिक कर देना है, कितना मस्त कलर हो चुका है। तो उसके बाद मैं आपको दे दूंगा एक ठो PNG, उस वाले PNG को आप लोग को ले लेना है, जो कि हमारा PNG देखिए बता रहा हूँ कहा गया, इस वाले PNG को आपको लेना है। और इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लगाना है अपने फेस के अंदर, एंड फेस मैंने ये फेस के बराबर आप लोगों को बैठा लेना है, एंड ऊपर देखिए आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लेयर का, तो आपको सिंपली इस लेयर पर जाना है और आपको बीच वाले पर क्लिक कर देना है मूव डाउन। देखिए कितना मस्त शरीर ये जो फेस के ऊपर यानी कि पीछे चला गया है। उसके बाद आपको ऐड फोटो पर जाना है, और मैं आपको एक और PNG दूंगा, जो कि देखिए कौन से PNG, No Time for Love, इस वाले PNG को आपको लेना है। और क्या करेंगे, आपको आना है ब्लेंड पे, इसको स्किन करके, और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे इतना पे, देखिए इतना इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है ऐड फोटो पे, और मैं आप लोग को एक PNG दे दूंगा कहा गया, इस वाले PNG को आपको लेना है और आपको ऐड पे क्लिक करना है। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, ब्लेंड करके स्क्रीन कर देंगे इसको, और जूम करके इस तरह दोनों कोने से इस तरह लगा देंगे, कितना गजब का लग रहा है। तो आपको इतना काम कर लेना, इसको मैं अच्छे तरह से बैठा देता हूँ ताकि मस्त लगे, देखिए इतना पे काम आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली फोटो को सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद मैं दूंगा आपको एक ठो PNG, जो कि हेयर PNG, जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियो में बतलाया हूँ कि हेयर किस तरह बनता है, बट गाइज वो जानते हैं बहुत समय लगता है, इसलिए मैं आपको दे दूंगा PNG को। तो आपको सिंपली इस वाले PNG को ले लेना है, और क्या करना है आपको अपने हेयर को, देखिए जानते हैं ये मेरा ही PNG है जो कि आप लोग के लिए काट कर इसको रखा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इतना पे बैठा देते हैं, कितना गजब है, देखिए मेरा हेयर PNG बन चुका है। तो गाइस यार मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, हेयर के ऊपर, जो कि आप लोग किस तरह भी अपना प्रोफेशनल हेयर बना पाएंगे, जो कि आप लोग इस वाले हेयर PNG को अपने फोटो पे चिपका दीजिएगा, जिससे कि आपका जो फोटो का पूरा ही रियल लगेगा, जो कि गाइस यार आप लोग देख सकते हैं फोटो कितना गजब का, कितना कंटाप लग रहा है। तो आप लोग को इतना काम तो सारा समाप्त हो चुका, बट आपको एक काम करना है, जो कि क्या काम करना वो बताऊंगा। आपको अपने फोटो को ले चलना है स्नैपशीट में, और आपको जाना कहाँ पे, सिलेक्टिव पे, और इसे टी शर्ट पे मार्क लगाकर सिचुएशन को हाई करना। देखिए कितना ज़्यादा चमक आ रहा है,
तो आप लोग को यही काम करना है, सारे जो टी शर्ट है उस पर आप लोग को चमक को ला देना है। इस प्रकार से देख कितना गजब का चमक आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्टिव पे जाकर इस प्रकार से आप लोग को मार्क लगा देना है। और मैं इतनी सब ब्राइटनेस को हाई करूँगा कि यहाँ पे ब्राइटनेस लो है, तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे कर दूँ। देखिए यहाँ पे फिर देखिए नाक पे भी यहाँ पे कुछ लग चुका है, तो मैं क्या करता हूँ नाक को भी सही कर लेता हूँ इतनी से लाइट को देखकर। तो आप लोग को भी इतना काम कर लेना जितना मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना, सही पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो कितना हार्ड लग रहा है। तो उसके बाद आपको एक और काम करना है, अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। और ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है, इसके बाद गैजर फोटो मेरा एकदम तबाही जैसा बन जाएगा। तो देखिए आप लोग को लाइटरूम में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं पहले का फोटो एंड बाद का फोटो कितना अंतर है। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको दे दूंगा एक टू प्रीसेट, उस वाले प्रीसेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जस्ट हम क्या करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है इस पे कॉपी सेटिंग पे जाएंगे, आपको नीचे वाले को मार्क लगाकर आपको सही पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है, एंड बैक आने के बाद आपको अपने फोटो पे जाना है। और देखिए वन क्लिक में कितना हार्ड आपका फोटो होगा, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट पे क्लिक करना। देखिए वन क्लिक और जो आपका फोटो है गाइस कितना लजवाब बन के रेडी हो चुका है, क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस यार आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस यार इसी तरह का डेली वीडियो वॉच करने के लिए आप लोग कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।